हेलो फ्रेंड्स, फ्री का ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। और आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है शर्ट्स और रेडिकल। अगर आपने अभी तक मैथ्स का टॉपिक वन जो कि रियल नंबर के बारे में नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, पहले उसे जाके देख लें। हमारा चैनल हर संडे को शॉर्ट हैंड जो कि एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे भी सिखा रहा है। तो हमारे आने वाले वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब कर बेल का आइकन भी दबा दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि और लोग भी इस लॉकडाउन के पीरियड में इसका फ़ायदा उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। शर्ट्स, चलिए जानते हैं शर्ट्स क्या होता है। लेट ए बी अ रैशनल नंबर एंड एन बी अ पॉजिटिव इंटीजर सच डैट एन रूट ए इज अ इरेशनल नंबर, देन एन रूट ए इज कॉल्ड शर्ट्स और रेडिकल्स ऑफ ऑर्डर एन एंड ए इज कॉल्ड रेडिसेंट। चलिए मान लेते हैं कि कोई ए एक रैशनल नंबर हो और एन एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो एन रूट ए एक इरेशनल नंबर हो तो यही एन रूट ए इज कॉल्ड शर्ट्स ऑफ ऑर्डर एन और यहाँ पे ए इज कॉल्ड रेडिसेंट। ओके, अगर कोई शर्ट्स जिसका ऑर्डर टू हो उसे क्वाड्रेटिक शर्ट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, रूट थ्री इसका ऑर्डर टू है तो ये एक क्वाड्रेटिक शर्ट्स कहलाता है। और अगर कोई शर्ट्स जिसका ऑर्डर, जैसे कि हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं रूट फोर, जिसका ऑर्डर थ्री हो उसको क्यूबिक शर्ट्स कहते हैं। और आखिरी में अगर किसी शर्ट्स को ऑर्डर फोर हो, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं फोर रूट सिक्स, तो इसे कहते हैं बाई क्वाड्रेटिक शर्ट्स। ऑर्डर टू हो तो क्वाड्रेटिक शर्ट्स, ऑर्डर थ्री हो तो क्यूबिक शर्ट्स और ऑर्डर फोर हो तो बाई क्वाड्रेटिक शर्ट्स कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स। चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या होता है लॉ ऑफ रेडिकल्स। जैसे कोई शर्ट्स जो कि फ्रैक्शन पावर के साथ एक्सप्रेस किया जाता है उसमें लॉ ऑफ इंडिसेस भी लागू होता है। आइए जानें ये लॉ ऑफ इंडिसेस क्या होता है और ये कैसे शर्ट्स के साथ लागू होता है। लॉ ऑफ इंडिसेस, और एक तरफ हम लोग लिख लेते हैं लॉ ऑफ रेडिकल्स। चलिए अब हम लोग जानते हैं लॉ ऑफ इंडिसेस लॉ ऑफ रेडिकल में कैसे अप्लाई होता है। फर्स्ट लॉ क्या होता है, ए टू द पावर वन बाय एन होल टू द पावर एन विच इज इक्वल टू ए। अब ये लॉ ऑफ रेडिकल्स में कैसे अप्लाई होता है आइए देखें। एन रूट ए होल टू द पावर एन इक्वल टू ए। चलिए नेक्स्ट लॉ, लॉ नंबर टू, ए बी होल टू द पावर वन बाय एन इज इक्वल टू ए टू द पावर वन बाय एन इन टू बी टू द पावर वन बाय एन। ओके, अब ये लॉ ऑफ रेडिकल्स में कैसे अप्लाई होगा। एन रूट ए बी विच इज इक्वल टू एन रूट
ए इंटू एन रूट बी। यहाँ ए और बी का ऑर्डर एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए थर्ड लॉ, ए बाय बी होल टू द पावर वन बाय एन इक्वल टू ए टू द पावर वन बाय एन डिवाइडेड बाय बी टू द पावर वन बाय एन। ओके चलिए इसमें भी देख लेते हैं, रूट अंडर एंड रूट ए बी विच इज इक्वल टू एंड रूट ए एंड रूट बी, ठीक है। चलिए लॉ नंबर फोर, ए टू द पावर वन बाय एन होल टू द पावर एम विच इज इक्वल टू ए टू द पावर एम एंड होल टू द पावर वन बाय एन विच इज इक्वल टू ए रूट एम बाय एन, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर हमेशा मल्टीप्लाई होता है, तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद एम रूट एन हो जाएगा, ठीक है। लॉ ऑफ रेडिकल्स में कैसे अप्लाई होता है देखते हैं, एन रूट ए टू द पावर एम इक्वल टू एन रूट ए टू द पावर एम। ओके चलिए लास्ट लॉ के बारे में जानते हैं, ए टू द पावर वन बाय एन होल टू द पावर वन बाय एम इक्वल टू ए टू द पावर वन बाय एम इन टू एन, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो दोनों ही डिनोमिनेटर में है, तो मल्टीप्लाई होने के बाद होगा वन टू द पावर एम इन टू एन। इसको ये ऐसा भी लिख सकते हैं, ए टू द पावर वन बाय एम इन टू वन बाय एन। ओके अभी इधर कैसे अप्लाई होता है आइए देखें, एम रूट एन रूट ए, ओके विच इज इक्वल टू एम इंटू एन रूट ए विच इज ऑल्सो इक्वल टू एन रूट एम रूट ए। यही था लॉ ऑफ इंडिसेस एंड लॉ ऑफ रेडिकल्स। इसमें हम लोग जाने कैसे लॉ ऑफ इंडिसेस लॉ ऑफ रेडिकल्स को एप्लीकेबल था। चलिए आगे देखते हैं, आइए अब जानते हैं प्योर एंड मिक्स सर्ट्स। प्योर सर्ट्स वैसा सर्ट्स जिसका रैशनल फैक्टर सिर्फ वो खुद ही हो, उसके अलावा कोई नंबर ना हो, तो वैसे सर्ट्स को प्योर सर्ट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रूट टू थ्री रूट फाइव फोर रूट थ्री, ये कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसका रैशनल फैक्टर सिर्फ वो खुद ही नंबर होगा, इसके अलावा कोई नहीं होगा, तो ऐसे सेट्स को प्योर सेट्स कहते हैं। एंड मिक्स सेट्स वैसे सेट्स जिसका रैशनल फैक्टर ना सिर्फ वो खुद नंबर हो उसके अलावा भी हो, लेकिन उसका रैशनल फैक्टर एक इरेशनल नंबर ना हो, वैसे सेट्स को मिक्स सेट्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, टू रूट थ्री फाइव रूट थर्ड ऑर्डर ट्वेल्व एंड फोर बाय थ्री थ्री रूट थर्टी फाइव, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जिसका रैशनल फैक्टर सिर्फ ये खुद नंबर नहीं इसके अलावा भी होगा और वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा।
आइए अब सीखते हैं कन्वर्जन ऑफ अ सर्ट्स ऑफ ऑर्डर एन इंटू ऑर्डर एम। ओके, चलिए अब जानते हैं कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाए ऑफ ऑर्डर एम इनटू ऑर्डर एन। लेट रूट ए बी अ सर्ट्स ऑफ ऑर्डर ओके देन एम रूट ए इक्वल टू ए टू द पावर 1/m। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं ए टू द पावर n बाय m होल टू द पावर 1/n, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई होता है पावर तो n से n कट जाएगा तो ये रूट 1/m ही रह जाएगा, इसीलिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको और क्या लिख सकते हैं सिंपल फॉर्म में, एन रूट ए टू द पावर एन बाय एम। ओके, इसीलिए रूट एम रूट ए इक्वल टू, इसे हम क्या लिख सकते हैं एम रूट ए जो कि शुरुआत में था अब ये बदल के क्या हो गया है एन रूट ए टू द पावर एन बाय एम दैट इज ए टू द पावर 1/m इक्वल टू ए टू द पावर एन बाय एम होल टू द पावर 1/n। ओके, तो ये कन्वर्ट हो गया है m ऑर्डर से n ऑर्डर में। ओके, जो कि था m रूट a जो कि बदलने के बाद हो गया n रूट a टू द पावर n बाय m। ओके, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इस कन्वर्जन को और अच्छे से समझने के लिए। कन्वर्ट 4√3 एंड 6√2 इंटू सर्ट्स ऑफ सेम बट स्मॉलेस्ट ऑर्डर, मतलब कि हमें दोनों का ऑर्डर सेम रखना है लेकिन सबसे छोटा ऑर्डर, सबसे छोटा और सेम ऑर्डर रखने के लिए पहले हमें 4 और 6 का एलसीएम ले लेना होगा। तो लेट टेक एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 विच इज इक्वल टू 12। 4 और 6 कैल्शियम 12 होता है। अब हमें इस दोनों को ऑर्डर 12 के साथ बदलना होगा जो कि अभी ऑर्डर 4 है और इसमें ऑर्डर 6 है, इन दोनों को चेंज करके ऑर्डर 12 करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कन्वर्ट करते हैं। पहले 4√3 को कन्वर्ट करते हैं, तो पहले इसे लिख लेते हैं 4√3। इसको और क्या लिख सकते हैं 3 to the power 1/4। ओके, अब इसे ऑर्डर 12 में कन्वर्ट करना है तो ये हो जाएगा 3 to the power 12/4 होल टू द पावर 1/12, क्योंकि 12 से 12 कट जाएगा तो ये पावर सेम हो जाएगा विच इज ऑल्सो इक्वल टू 3 और ये कटने के बाद हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा तो 3 to the power 3 होल टू द पावर 1/12। ओके, इसको और हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब निकाल लेते हैं विच इज 27 पावर 1/12। चलिए हमारा कन्वर्जन आ गया है 27 टू द पावर 1/12 को 12
√27 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा ऑर्डर 4 से ऑर्डर 12 में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। चलिए अब सेकंड को चेंज करते हैं, वो क्या है, 6√2। इसको भी सेम प्रोसेस से चेंज करेंगे। अब इसमें इसको लिख सकते हैं 2 to the power 1/6, विच इज ऑल्सो इक्वल टू, अब इसको लिख सकते हैं, अब इसको कन्वर्ट करेंगे ऑर्डर 12 में, तो 2 to the power 12/6 whole to the power 1/12, ओके। अब इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं, ये तो 2 बार में कर जाएगा, तो 12 2 square whole to the power 1/12। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं हम लोग, इसका पहले स्क्वायर कर लेंगे, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 4 to the power 1/12। अब इसको सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख लेते हैं, 12√4। अब ये कन्वर्ट हो गया 6 ऑर्डर से 12 ऑर्डर में, ये हमारा एग्जांपल है। अगर इस टॉपिक में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। जल्दी इसका part 2 आने वाला है, तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में इन चीज़ों का फ़ायदा उठा सकें। तब तक के लिए गुड बाय। Please like, share and subscribe. Don't forget to click on bell button.